हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहला कैसे हुआ, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं आरती करूंगा, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के 1:30 बजे से, और अभी तैयार होके हमारी तैयारी हो रही है कहीं जाने की, मार्केट जाने की। और बच्चे यहाँ पे हैं, बच्चे भी बैठ गए हैं और हस्बैंड ने कार स्टार्ट कर ली है। और बाहर देखो दोस्तों कितनी तेज और कड़क धूप लगी हुई है। तो मार्केट हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आज है यशु का बर्थडे, जो छोटी छोटी हमारी शॉर्ट्स स्टार है उसका बर्थडे है आज। तो उसके लिए केक लाने के लिए जा रहे हैं। तो बच्चे तो बैठ गए हैं, मैं भी बैठ जाती हूँ। चले तो निकल पड़े हम अपने सफर की तरफ, और सबसे पहले तो केक ले आते हैं और उसके बाद करते हैं सेलिब्रेशन। तो यहाँ से भरा रहे हम पेट्रोल, गाड़ी की टंकी खाली हो गई है, चलते चलते घूमते घूमते टंकी खाली हो गई, तो इसलिए भर रहे हैं तेल। तेल भी भर लिया है, पूरी टंकी खाली हुई थी इस वजह से एसी नहीं चल रहा था, तो बिल्कुल पूरा ये शीशे नीचे कर रहे थे और गर्मी लग रही थी बहुत ज्यादा। अब सही हो गया, थोड़ा एसी की हवा खा रहे हैं। जैसे गाड़ी पुरानी हो गई, शीशे भी इसके जाम हो गए, देखो ये कितना लगी हुआ ऊपर नीचे, कहीं नहीं जा रहा है, न नीचे जा रहा है न ऊपर जा रहा है। तू क्या चाहती है, मैं भी तेरे को बोले तो पुरानी हो गई क्या? मेरे हाथ पर ढंग से काम कर रहे हैं अभी, ठीक है ना? पुरानी मत बोलो, शरीर देखो मोटा पास शीशे के सामने खड़े रहो, मैंने तो अपने आप होता है शरीर काम, तो धीरे धीरे काम करेगा ना, काम करना। ये देखो इतना धीरे धीरे बंद हो रहा है, इससे ऊपर बंद नहीं हो रहा है। क्या लुक है, क्या लुक, क्या हरियाली है। पहुंच चुके हैं हम रामपुर रोड, तो यहाँ से आगे को जाना है हमें साई हॉस्पिटल तक, और केक आएगा राठौर बेकरी से, तो वहीं का केक सबको पसंद आता है हमारे परिवार में। और तो अगल बगल बहुत सारे लोग वहीं जाते हैं केक लाने के लिए, बहुत टेस्टी केक एकदम फ्रेश बनाता है। कितने लोग गए बताना जरा? बहुत गए, हमारी कॉलोनी में 2-3 लोग चले गए। कौन कौन गया? नाम क्यों बताऊं, क्यों जानना? कितने गए, कौन था, नाम बताओ, एक नाम बताओ। वही कार्तिक लोग गए। कब गए? आज सोना लोग ला रहे हैं। नहीं वो तो तू नहीं गया ना, जब उनकी 25वीं सालगिरह थी तब गए थे। सबूत क्यों, नेहा से पूछना। नेहा जी का हमारे आगे आगे चल रही है थार। ये वाला एरिया सबसे बेस्ट लगता है, सबसे बढ़िया, कितना खूबसूरत लग रहा है, मोड़ भी, पेड़ बहुत सारे पेड़ है, ठंडी हवा भी आ रही इधर पेड़ों के चक्कर से। तो पहुंच चुके हैं हम साई हॉस्पिटल वाली रोड पे, तो इसी रोड पे है भाई की शॉप। पहुंच गई, खुश मामा की दुकान में आते ही खुश। बाल क्या हो रहे हैं इसके ऐसे? आज जो है मामा की छुट्टी कर दी है इसने, दुकानदार बन गया। देखो मामा वहाँ पे खड़ा हो गया, पैसे खा रहा है हथियार की तरह। तो मामा की दुकान में आए हैं तो फायदा उठा रहे, गप्पा गप खाने में लगे हैं, जो मिल रहा है जो मामा देखे वो खाने में लग जा रहे हैं। बर्गर वाले लड़के के लिए बर्गर आ गया ना, ये है हमारा वाला, नाम लिखना है केक के ऊपर, कुछ नहीं बोलना। और क्या बोले, तो ये क्राउन किसके लिए ले जा रहा है तू? तेरी पहनने लग गई, क्या लिखना है? नॉन एज बता, यसस्वी स्पेलिंग बता भाविश। तो केक भी ले लिया है और अब चल रहे हैं घर को। बाहर इतनी गर्मी हो रही है ना, बहुत ज्यादा बहुत गर्मी गाइस। नवनीत और भाविश तो खाने में ही थी वहाँ, मामा की दुकान का फायदा उठा रहे हैं। तो क्या दिया मामा ने आपको? मामा ने ये है, कुछ ना कुछ मिलते रहता है इधर आके। बरेली रोड में पहुंच चुके हैं हम, तो जिसका आज बर्थडे है तो बर्थडे गर्ल के लिए हमने एक सरप्राइज प्लान किया है, तो जो आपको शाम को देखने को मिलेगा। बर्थडे गर्ल देखो इसे नाच रही है, गेट पे दिखी नहीं रही, कहां मैं भी आ गई। ये देखो डांस, देखो डांस। फाइनली केक लेके हम घर पे पहुंच चुके हैं, और मैं बर्थडे गर्ल से भी मिला देती हूँ, बर्थडे गर्ल से मिलाया नहीं था मैंने। तो ये रही हमारी बर्थडे गर्ल, ये अक्सर आपने इसको शॉर्ट्स में देखा होगा हमारे, तो आज इसका बर्थडे है। यशु कितने साल के हो गए मुझे बताओ, आओ इधर, पता नहीं है और रे पता ही नहीं। तो दोस्तों शाम के 5:30 बज चुके हैं, और अभी मैं जा रही हूँ बर्थडे गर्ल के घर पे देखने के लिए कि आखिर कितना डेकोरेशन कर लिया है। लगे थे 1-2 घंटे पहले से लगे थे वो, जब हम आए ना मार्केट से तब से लगे थे, अब तो हो ही गया होगा, और तैयारी भी कर रहे होंगे, तो दिखाती हूँ आपको जाके। तो आगे आगे जा रहे हैं हस्बैंड जी, और ये रहा बर्थडे गर्ल का घर। तो डेंजर कुत्ता सामने है, तो आने में बड़ी डर लगती है, सोच समझ के आना पड़ता है। तो यहाँ पे हो चुकी है डेकोरेशन मस्त वाली, बढ़िया लग रही है। और यहाँ भी बैठी है बर्थडे गर्ल, क्या कर रही है काम फैला के? बर्थडे गर्ल खेलने में लगी है इधर, क्या खेल रही है? बार 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 गिर जा रहा है, पता नहीं क्यों, इसको नीचे अच्छा लग रहा है, ऊपर लटकने में अच्छा नहीं लग रहा है ना। यसु 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 का बर्थडे जितना है पकड़े में।
सबके सब कारीगर अभी असली कारीगर अभी अब आ रहे हैं यहाँ पे। और ये बीच में जब ऊपर से बांधना पड़ेगा रस्सी, तो यहाँ पे पूरी तार लगा दी है। मैं अब लगेंगे बल्ब जहाँ तहाँ होल्डर है उसमें, यहाँ पे है एक, यहाँ पे बिल्कुल घरेलू उपाय से मच्छर भगाए जा रहे हैं। ये देखो ये गोबर के ठिटले जला के का धुआं लगेगा, सारे मच्छर गायब। ये देखो जुगाड़ लगाया जा रहा पूरा, ये तार को ऊपर करके डेकोरेशन के लिए हो रहा सब, सब मेहनत कर रहे हैं। वो पीछे जा, ऑन करो इसको, बैठ गया सब मंजर का वो अपना। ले ले तू, आ गया इसमें, आ गया तू। बर्थडे हो चुका है और इनका ये अलग ही खेल हो रहे हैं यहाँ पे। ये देखो कौन कौन ऐसे फोड़ता, कमेंट में करना जरूर, कमेंट करना सारे लोग करेंगे कमेंट में। सभी लोग लगभग ना, ये फोड़ने में ऐसा मजा क्यों, क्या क्यों आता है मजा बताओ? अच्छा लगता है, ये पट पट आवाज आती है इसलिए अच्छा लगता है। तो फाइनली बर्थडे भी हो चुका है और बर्थडे गर्ल को सरप्राइज भी दे दिया है, तो गाड़ी उसको बहुत ज्यादा पसंद आई, खुद ही उसने पसंद करी। पहले तो हम लोगों ने उसको थोड़ा बहुत बुलाया कि ये किसी और के लिए है, बहनी के लिए है, कोई और बहनी के लिए है, तो उसने थोड़ा बहुत सच मान लिया था कि हाँ मेरी नहीं है, बहनी की है। तो फिर धीरे धीरे जब हम घर पे लाए उसे थोड़ा थोड़ा शक होने लग गया, शायद मेरे लिए ही है करके। तो फिर बच्चे ये समझ जाते हैं, समझ ही गई थी। तो सरप्राइज तो सरप्राइज नहीं रहा, खुल गया था उसका राज, लेकिन बर्थडे हो चुका है बहुत मस्त तरीके से। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं नए दिन नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। रात भर यही पटपट करना है या फिर चलना भी है सोने के लिए? मैं तो जा रही हूँ, बाय 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 बाय।